नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने लोकसभा चुनाव में पांचों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में जीत दिलाने का काम किया है, और ये सब हुआ है डबल इंजन की सरकार के विकास के कामों से और जनता का, भारतीय जनता पार्टी पे जो भरोसा है उससे। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि इसी तरह से आगे भी डबल इंजन की सरकार अपना प्रभाव दिखाएगी और जनहित के कार्यों को प्रमुखता से करने का काम करेगी। रूप से डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर एक नई पहचान देने का काम किया है, और आगे भी जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 का जो विजन रखा है कि उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, उत्तराखंड की जनता ने भी उनके कामों पर मोहर लगाई है और पांचों सांसद जिताकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का में अपना योगदान दिया है। तो निश्चित रूप से चाहे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हो, उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। वो निश्चित 2025 तक राज्य बनेगा सर्वश्रेष्ठ राज्य। उत्तराखंड से इस बार मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को जगह मिली है। इससे पहले पिछली सरकार में नैनीताल लोकसभा से सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया था। हल्द्वानी पहुंचने पर अजय भट्ट ने मीडिया ने जब उनसे पूछा कि उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, तो उस पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और सिपाही को जिस भी मोर्चे पर भेजा जाता है उसे वहां काम करना होता है। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले कोई और मंत्री था, उसके बाद मुझे मंत्री बनाया गया और मेरे बाद किसी और को बनाया गया है। ये तो हमारी पार्टी की रीति नीति है। अब मैं सांसद बनकर दिन रात जनता की सेवा कर रहा हूं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम लोग तो सिपाही हैं, जहां पार्टी लगाती है वहां डरते हैं। हमारा सांसद हो, हमारा विधायक हो, सब मंत्री हैं, हम कार्यकर्ता है, हमारे मंत्री सब कार्यकर्ता हैं, मंत्री भी कार्यकर्ता है, हम सब भी कार्यकर्ता हैं। मैं परसों तक मंत्री ही था और इसके बाद दूसरे का नंबर आया, उससे पहले कोई और मंत्री था, जब मेरा नंबर आया तो कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता को ऐसा सोचना ही नहीं है। मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ, और फिर मेरा तो स्लोगन है जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है, फिर इसमें कोई चिंता का कहाँ विषय है। काम करना है, काम करने का मौका देखिए कितना अच्छा मिल रहा है। मैं लोगों के बीच में आज मैं दिन भर, कई लोग जहाँ पर दुर्घटनाएं हुई थी वहां भी मिला हूँ, हॉस्पिटल में भी मिल रहा हूँ, रात को रामलीला हो रही है, रामलीला में भी जाऊं। खबर देहरादून से है, जहां कृषि और किसान कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के जरिए कृषि विभाग के सहायक कृषि सहायक अधिकारी वर्ग एक के पद पर चयनित 31 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, लगातार युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प लिया उसके लिए कटिबद्ध है। अभी आचार संहिता से पूर्व लगभग 6000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के गठबंधनों द्वारा विभिन्न विभागों में वितरित किए गए थे। मेरे विभाग में भी 350 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, और क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण कुछ लोग इससे वंचित रह गए थे। आज सहायक कृषि अधिकारी वर्ग एक के 31 लोगों को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनका वितरण होना था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को वितरण समारोह में उड़ीसा जाना पड़ा, और क्योंकि ये बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं, पिथौरागढ़ चमोली भिंड दूरस्थ क्षेत्र से आए हैं, उनको मेरे द्वारा अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित कर। वही बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, इस वक्त की बड़ी खबर सहानी आत्महत्या कांड में, ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, सहानी आत्महत्या कांड में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दो कारोबारियों के कार्यालय में ईडी ने रेड की और एक कारोबारी के घर में छापेमारी भी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें,
सहानी आत्महत्या कांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां सहानी आत्महत्या कांड में ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दो कारोबारियों के कार्यालय में ईडी ने रेड की, जिसके बाद एक कारोबारी के घर में भी छापेमारी की गई। तो देहरादून का चर्चित सहानी आत्महत्या कांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जिसमें सहानी बिल्डर्स के करीबी कारोबारियों के घर पर ईडी ने छापेमारी की, साथ ही उनके कार्यालय में भी छापा मारा गया। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में 38वें राष्ट्र खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर के महीने के लिए प्रस्तावित कर लिया गया है, जिसके लिए सरकार लगातार तैयारी कर रही है। हालांकि 38वें राष्ट्र खेलों से पहले उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं होनी है, जिससे खिलाड़ियों का चयन राष्ट्र खेलों के लिए किया जाना है। तो वहीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर खेल विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू थी, जिस वजह से राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। अब विभाग एक बार फिर से राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तैयार कर रहा है और जल्द ही राज्य स्तरीय खेलों के साथ साथ राष्ट्र खेलों को प्रतिबद्धता के साथ कराने की विभाग की तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए, प्रदेश में वाकई राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, देवभूमि को मिली है, गर्व की बात है। और उससे पहले राज्य स्तरीय गेम होने हैं, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में तय हुआ था। निश्चित रूप से उसकी तैयारी विभाग ने अपनी ओर से की थी, लेकिन चूंकि आचार संहिता को ही 2-2.5 महीने करीब लगे, जिसके कारण से सभी लोग चुनाव में ही व्यस्तता रहे, आगे विभाग उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। निश्चित रूप से हम लोग राज्य स्तरीय गेम भी कराएंगे और निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्रीय खेलों के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ में हमारी पूरी तरह। खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मुख्य नगर अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले कई दिनों से नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है और जो लोग अतिक्रमण नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। निगम द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी 2 दिन तक। हमारा कहना यह है कि अगर आप अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, लोगों को सूचना दें, और जो लोग बाय फॉल्ट अतिक्रमण कर रहे उन्हें उनके प्रति नरमी रखी जाए, और जो जानबूझ के अतिक्रमण कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे, जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं है, जिनसे असुविधा हो रही, जिनकी वजह से जाम लग रहा है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो। दूसरी बात हमने कही कि अब बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, आप नालों की सफाई कराएं। इस पर एमएनए साहब ने कहा कि हम जो है हमने कुछ नालों की सफाई कराई है, उसके लिए अभी हम एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी जो है उन नालों का निरीक्षण करेगी कि वास्तव में सफाई की गई। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव में पौड़ी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का आभार जताया। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद गणेश गोदयाल ने कहा कि हमने हार को जनता के आदेश के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने गढ़वाल लोकसभा के सभी मतदाताओं का आभार जताया। कांग्रेस के हर नेता कार्यकर्ता का आभार जताते हुए गणेश गोदयाल ने कहा कि जिस तरह गढ़वाल लोकसभा के मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। समस्त उत्तराखंड की 5ों लोकसभा क्षेत्र की जनता को, वहां के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें जो समर्थन दिया, हमें जो साथ दिया, उसके लिए हम सब कांग्रेस में धन्यवाद देते हैं। हमारी कुछ कमियां रह गई, जिन कमियों को हम भविष्य में पूरा करेंगे। बात यहाँ यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र में, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में क्या खोया क्या पाया है, मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ पाया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम पिछले मार्जिन को करीब करीब आधा लाने में सफल रहे, जो पिछले बार 2019 में जो रिजल्ट आए थे वो आधे
तक हमने उसको रिकवर। देवभूमि समाचार में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है जहां भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय सम्मेलन आज समाप्त हो गया। 10, 11 और 12 जून को चला इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 5 सूत्रीय कार्यक्रम पास किए गए, जिसमें किसान की फसल का उचित दाम, किसान पेंशन और एमएसपी की गारंटी योजना सहित गन्ना भुगतान तुरंत करने के साथ साथ उत्तराखंड के किसानों की बिजली कनेक्शन काटने बंद करने की भी मांग शामिल है, जिसकी मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन आगामी 10 जुलाई को कुरुक्षेत्र में रैली करने जा रहा है। ये यहाँ हमने किसानों की जो समस्याओं पर 3 दिन, एक तो संगठन को मजबूत करने का एक यहाँ एजेंडा है जो किसान का है, जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, कर्जा मुक्ति पूरा दाम, बुढ़ापा पेंशन 5,000 सरकार दे, और एमएसपी की गारंटी, कानून बने, ये 5 सूत्री कार्यक्रम हमने पास किया है, और आंदोलन 10 तारीख को कुरुक्षेत्र में रैली का है, ये हमने तय। किस तरह का आंदोलन? नहीं, आंदोलन रैली करेंगे, सरकार का परिवर्तन, सरकार हमें चाहिए, हरियाणा में किसकी चाहिए, हरियाणा में वहाँ उस जिसको बनाएंगे उसको वहाँ मंच पर आशीर्वाद देंगे, वाजा भी तू आजा, और किसानों का आते ही कर्जा माफ कर दियो, सरेंडर 300 रुपए का कर दियो, हम तो किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है और इन विधानसभाओं में 14 जून से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि दोनों सीटों पर प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है, जिसके लिए पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में 2-2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की है, जो अपनी संबंधित विधानसभाओं में जाकर जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के अनुसार कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर प्रदेश नेतृत्व को संभावित दावेदारों की लिस्ट सौंपेंगे, जिसके बाद प्रदेश पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श के बाद 3 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा, उसके बाद प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव प्रस्तावित है, उस चुनाव को दोनों सीटों को प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की रणनीति बनाई है, और इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्टजी के निर्देश पर दोनों विधानसभा में 2-2 सदस्यीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हैं, जो वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके वहां के प्रत्याशियों के चयन के संदर्भ में जो नामों का पैनल तैयार होना है उसके लिए रायशुमारी करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां उपचुनाव की घोषणा के बाद मंगलौर विधानसभा में सभी दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुट गए हैं। कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बीएसपी से हाजी सरवत करीम अंसारी के बीच ही कड़ा मुकाबला होता रहा है, लेकिन कद्दावर नेता के रूप में माने जाने वाले हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद समीकरण का गठजोड़ करने वाले नेताओं के आंकड़े कमजोर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबेदुर्रहमान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। विधायक के देहांत के बाद उबेदुर्रहमान को सहानुभूति जरूर मिल रही है, लेकिन बसपा उन्हें टिकट देगी या नहीं यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इसे टक्कर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर और अपने समाज, अपने लोगों की मेहनत पर पूरा विश्वास है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, टक्कर जो होगी दूसरे और तीसरे नंबर की होगी, पहले नंबर पे इंशाल्लाह हम रहेंगे। उनके काम, उनकी सिंपैथी, ये माशाल्लाह हमारे साथ लगी हुई है, इसका हमें आने वाले चुनाव में पूरा लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन में जुट गए हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होनी है।
विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। मंगलौर सीट और बद्रीनाथ सीट दोनों ही सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बीजेपी हो या कांग्रेस या दूसरे सियासी दल इस चुनाव में प्रत्याशियों के पैनल को लेकर चर्चा करने लगे हैं। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी या कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को लेकर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया है और अगले 2 से 3 दिन के भीतर पार्टी प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल तैयार कर पार्टी हाईकमान को भेजने की तैयारी हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सियासी रणनीति अब तक कहती है ऐसे में समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो परिणाम काफी कुछ हद तक इस चुनाव को भी करते नजर आएंगे और उसके आधार पर सियासी दलों को भी अपनी तैयारी करने का मौका यहाँ पर मिल पाएगा। लेकिन रोचक मुकाबला इसलिए भी कहा जा सकता है कि बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, वो इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि अब रोचक मुकाबला देखना यही होगा कि कौन हार जीत करता है, कौन प्रत्याशी यहाँ पर बन पाता है। खबर हल्द्वानी से है जहां यूपीसीएल की टीम ने बिजली चोरी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें हल्द्वानी शहर के गांधीनगर, आजाद नगर, बनभुलपुरा गली नंबर 8, 17 और 18 समेत कई जगहों में चेकिंग करवाई जा रही है। चेकिंग के दौरान कटिया डालकर बिजली चोरी और विद्युत मीटर को बाईपास कर बिजली चोरी और इनकमिंग केबल को काटकर बिजली चोरी के मामले पकड़ में आए हैं। कुल अब तक 57 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पकड़े गए मामलों में जुर्माना चालान की कार्रवाई प्रगति पर है। इस कार्रवाई के लिए अधिशासी अभियंता प्रदीप बिष्ट के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विद्युत चोरी के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज हल्द्वानी शहर में बिजली चोरी को रोकने के लिए हमारे विभाग द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें हल्द्वानी शहर के गांधीनगर, आजाद नगर, बनभुलपुरा क्षेत्र के लाइन नंबर 8, 17, 18 इत्यादि क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसमें हमारे विभाग की 3 टीमें, हमारी विजिलेंस टीम और भारी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध था। चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 67 नग मामलों में बिजली चोरी की घटनाएं हमको प्राप्त हुई हैं, जिनमें अभी वर्तमान में एफआईआर करने की और जुर्माना इत्यादि तामील करने की कार्रवाई प्रगति पर चल रही है। और विद्युत चोरी की जहां जहां पर भी हमें सूचनाएं मिलेंगी वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी नियमित अंतराल पर। वही देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में आग का तांडव देखने को मिला है। देहरादून के काट बंगला इलाके का यह पूरा मामला जहां आग का तांडव देखने को मिला। सिलेंडर फटने से 3 मकानों में भीषण आग लग गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। घरों में रखा सामान, सारा का सारा सामान इस दौरान जलकर राख हो गया है। तो देहरादून में आग का तांडव देखने को मिला है। कांट बंगला इलाके का यह पूरा मामला जहां सिलेंडर फटने से 3 मकान आग की चपेट में आ गए। आग इतनी भीषण थी कि घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे आग पर काबू पाया। खबर हरिद्वार से है जहां 22वीं प्रदेशिक पुलिस तैयारी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा ने किया। 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के जवान रक्षक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 9 जनपदों, 5 वाहिनियों और एसडीआरएफ जॉली ग्रांट देहरादून और उत्तराखंड रेलवे सहित कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। तैराकी प्रतियोगिता में 1500 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर फ्री स्टाइल जैसी अलग अलग स्पर्धाओं में आईआरबी द्वितीय देहरादून, एसडीआरएफ जॉली ग्रांट और 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के प्रतियोगिताओं प्रतिभागियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। आयोजन सचिव प्रदीप कुमार राय ने जानकारी दी कि कल महिला और पुरुष 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता होगी और 8 बजे से कई तैराकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। देखिए, इसमें 16 टीम हमारी प्रतिभाग कर रही है और जैसा कि आप जानते हैं स्विमिंग अगर ओलंपिक गेम्स में कहें तो सबसे ज़्यादा मेडल वाला गेम होता है। वहाँ 24 इवेंट होते हैं, यहाँ हमारे पास 20 इवेंट हैं और इसके साथ हमारे चूँकि क्रॉस कंट्री भी इसके साथ मर्ज है तो 2 क्रॉस कंट्री के भी इवेंट्स हैं।
पुरुष और महिलाओं की। लेकिन स्विमिंग खास करके अगर देखें तो हमारा जैसे नेशनल गेम्स अगले साल आने वाला है और उसको लेकर तैयारियों में हमें स्विमिंग की काफ़ी एक अहम भूमिका दिख रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेडल विनिंग गेम है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अधिक से अधिक स्विमिंग के लोगों को मोटिवेट करें और स्विमिंग में उत्तराखंड को अच्छा नाम हो, इसका हम इसकी तैयारी करते हैं। खबर रुड़की से है, जहां दो तीन दिन पहले महिला पत्रकार के साथ रास्ते में हुई छेड़छाड़ और अभद्रता और मारपीट के मामले में पुलिस ने महिला को शिकायत के बाद दो मनचलों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों युवक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बताए जा रहे हैं। एसपी देहात स्वपन किशोर ने बताया कि महिला के साथ अभद्रता करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो महिला पत्रकार के साथ अभद्रता का यह मामला था, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों मंचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।